ये मेरे द्वारा थाना विकास नगर का जब निरीक्षण किया जा रहा था तो उस समय ये पाया गया कि कुछ जो MV एक्ट 207 धारा में जो सीज्ड वाहन होते हैं उसको क्लेम करने लोग नहीं आ रहे हैं। जब वहाँ पर पूछा गया तो मेरा शक गहराया, तो हमने थाने को कहा DCRB से इसका मिलान कराइए, इंजन नंबर, चेसिस नंबर, और पता करिए कहीं ये चोरी का तो नहीं है। तो थाना विकास नगर पर ही हमको 4 वाहन चोरी के मिले। इसी प्रकार फिर ये एक्सरसाइज हमने DCRB के माध्यम से पूरे जनपद में करवाई। तो आपको बता दें कि 3 ई रिक्शा, 1 बोलेरो, 1 टाटा मैजिक और 69, कुल मिलाकर 74 वाहन चोरी के हम लोगों ने ट्रेस किए, जो हमारे ही थानों पर सीज हुए थे MV 207 में, और जिनका दावा कोई नहीं कर रहा था। आज इसमें से कई लोगों को यहाँ पर बुलाया गया है, उनको पूरी डिटेल बता दी गई है कि थाने पर किस धारा में कहाँ पर किस थाने पर आपका ये दर्ज है, और शीघ्र ही हम माननीय न्यायालय से अनुमति प्राप्त करके इस वाहन को रिलीज़ करा के आपको हैंडओवर भी कर देंगे। इसमें कुल मिला के देखा गया कि 74 वाहनों की जो कुल कीमत है वो 35 लाख के आसपास है, 35 लाख से 40 लाख के बीच में। तो ये एक, और ये जो है ये कई सालों से जो है, 2012 का एक है, 13 का एक है, 14 का एक, 15 का एक, 16 के 16, 17 के 21 और 2018 के 33 वाहन। तो इस प्रकार से ये जो हमने ये पाया कि इस तरह का मिलान जो अक्सर हम लोग जो MV 8 का सीजर होता है, लावारिस या लादावा जो होता है उसका तो मिलान होता है, लेकिन MV 8 के जो सीजर्स हैं उसका मिलान चोरी की गाड़ियों से कम होता है या नहीं होता है। तो ये पहली बार यहाँ पर किया गया जिसमें 74 वाहन हमको मिले हैं। 74 लोग इन ये सूचना पाकर बड़े खुश हैं, आह्लादित हैं। हम लोगों ने ये भी सोचा है कि एक मोबाइल स्क्वाड का गठन हम लोग कर रहे हैं, जिसमें लैपटॉप के साथ डोंगल रहेगा, इंटरनेट डोंगल रहेगा, और इंटरनेट के माध्यम से जो पार्किंग है या कहीं पर मॉल के आगे की पार्किंग है, रेलवे स्टेशन पर है, बस अड्डे पर है, कहीं पर भी रेंडमली ये जो स्क्वाड है, ये जो वाहन खड़े हैं इनको इंजन नंबर, चेसिस नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर चेक करेगा कि कहीं ये चोरी का वाहन तो नहीं है। क्योंकि जो चोरी का वाहन लोग खरीदते हैं सस्ते दामों पर खरीदते हैं, और इसका प्रचलन ये रहता है कि कोई फर्जी रजिस्ट्रेशन नंबर डाल करके इसको मार्केट में घूमते हैं। इस तरह के केसेस अगर पाए जाते हैं तो मैं स्ट्रेट अवे मैसेज देना चाहता हूं जनता को कि 420/67/68/71 का मुकदमा तो दर्ज हो गई, साथ ही चोरी में भी जो है 41/411 में बरामदगी की जाएगी, जेल जाना पड़ सकता है। तो कोई भी व्यक्ति यदि वो चोरी का वाहन खरीदा हुआ चला रहा है, नंबर प्लेट बदल के चला रहा है,